गैस ये देखो भाई, यहाँ पे काफी कमाल का रेयर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, जैसे कि सर्फ बोर्ड हो गया, और ये सर्फ बोर्ड के लिए लोग 10,000 डायमंड देने के लिए तैयार है, बट आपको फ्री में मिल सकता है। और भी अच्छे अच्छे इमोट वगैरह आपको इस इवेंट में मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी, टोकन किस तरीके से कलेक्ट कर पाओगे, सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अलावा फ्री फायर के ईवो कटाना की स्किन के बारे में बताने वाला हूँ, सर्वर इज बिजी के प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ, एंड इसके अलावा नया रैंक सीजन आ रहा है तो उसमें भी काफी कमाल का रिवॉर्ड दिया जाएगा, तो वो भी रिवॉर्ड दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, वीडियो को पूरा तक देखो। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्री फायर के ईवो कटाने की स्किन के बारे में, और ये ईवो कटाने की स्किन है, मैं ऐसा ही बोल रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज दी गई है। सबसे पहले तो देखो, ये ईवो कटाने की स्किन में आपको दो कलर देखने के लिए मिलेगा, दोनों कलर काफी अच्छा है, फायर वाला ज्यादा मेरे को बेहतर लग रहा है, और एनिमेशन तो बहुत ज्यादा बवाल है। चलो मैं आपको अच्छी तरीके से सारा चीज दिखाता हूं। सबसे पहले आप लोग स्किन पर देखो, ये फिनिशिंग वाला एनिमेशन है, जब भी आप लोग बंदे को फिनिश करोगे ना, तो इस टाइप के एनिमेशन आपके स्किन पर शो करेगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक दिखता है। और हाँ गाइस, कल के दिन मैं एक शॉर्ट अपलोड किया था जहां पे मैं आपको 20 गूगल रिडीम कोड दिया था, तो वो वीडियो जाकर के नहीं देखो तो जाकर के देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं आपको दे दूंगा, और जाकर के रिडीम करने की कोशिश करना, क्योंकि हो सकता है काफी लोग रिडीम कर चुके होंगे। और जाकर के लाइक कर देना, अगर आप लोग 1,00,000 लाइक कंप्लीट कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम मैं 50 रिडीम कोड देने वाला हूं, तो फटाफट लाइक कर देना। इसके अलावा डुओ फॉर्म देखने के लिए मिलेगा, और एलिमिनेशन इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा हीट इफेक्ट तो देखो भाई, और ये अटैक इफेक्ट है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक स्किन है, और ये बहुत ही जल्द आपके सर्वर पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे आप लोग देखो फ्री फायर का नया रैंक सीजन आने वाला है, जहाँ पे आपको काफी कमाल की चीजें दी जाएगी, जैसे कि हमारा इमोट हो गया, हालांकि इस इमोट के बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं, बट इसके अलावा भी कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग इमोट देखो, इमोट मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखो एक फीमेल का टॉप दिया जा रहा है, तो वो भी मेरे को काफी ठीक ठाक ही लग रहा है भाई, उतना भी खास नहीं है बट ठीक ठाक ही लग रहा है। एंड इसके अलावा आपको पैराफल की स्किन भी दी जाएगी, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, फ्री में दिया जा रहा है तो क्या चाहिए भाई। एंड इसके अलावा कुछ बैनर वगैरह आपको पता होगा कि हर सीजन में मिलती है, तो ये बैनर आप लोग देख सकते हो, सिल्वर वाला, गोल्ड वाला, एंड ये डायमंड वाला, शायद ये डायमंड वाला नहीं, प्लेटिनियम वाला है, और ये है हमारा डायमंड वाला। और इसके अलावा हीरोइक वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हीरोइक वाला, और ये है हमारा मास्टर वाला भाई। सो रैंक सीजन का रिवॉर्ड ठीक ठाक लग रहा है, एवरेज है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाई। और गाइस, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले फ्री फायर के एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है सर्वर इज बिजी, क्योंकि आपका 2 दिन से ये कमेंट आ रहा है कि भाई बार बार फ्री फायर में ये क्यों आ जा रहा है, बार बार हम लोग फ्री फायर को नहीं खेल पा रहे। सो गाइस, जैसे ही आपको कमेंट आ रहा था ना, तो मैं क्या किया कि फटाफट जाकर के गरीना वाले से बात किया, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर रहा था, तो जाकर के बात किया, तो वो बोले कि भाई जब भी ये प्रॉब्लम फ्री फायर में आती है तो हम लोग 10 से लेकर के 5 मिनट के अंदर ठीक कर देते, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोलो। सो गाइस, अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, वो ठीक हो जाएगी 10 से 15 मिनट में। एंड हां, ये क्यों हो रहा है मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं, क्यों हो सकता है, अपना जो इंडिया का सर्वर है वो अब इंडिया में ही आ रहा है, उसका जो डेटा सेंटर था वो बाहर था, अब वो इंडिया में आ रहा है, तो हो सकता है ये प्रॉब्लम अभी आपको देखने के लिए मिले, हो सकता है कल भी देखने के लिए मिल जाए, परसों भी देखने के लिए मिल जाए, तो जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आपको फ्री फायर के एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने वाला हूं, जहां पे आप लोग देखो ऊपर के लाइन में तो आपको चिमकाने जैसा रिवॉर्ड देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन उसी का जस्ट नीचे आप लोग देखो यहां पे एक ऐसा सर्फ बोर्ड दिया जा रहा है, जो लोग इसके पीछे 10,000 डायमंड देने के लिए तैयार है, काफी रेयर ये सर्फ बोर्ड होने वाली है। एंड इसके अलावा बैकपिक स्किन आप लोग देख सकते हो, इसके अलावा एक और बैकपिक स्किन देखो, ये भी बहुत ज्यादा रेयर है। एंड इसके अलावा ये इमोट तो उतना खास नहीं है, बट ये वाला इमोट देखो भाई, ये भी इमोट लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे होंगे कि ये सारा रिवॉर्ड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, कि अगर आपके पास ये 18 टोकन होगा तब जाकर के आप लोग एक्सचेंज करके ये सर्फ बोर्ड ले सकते हो, और अगर आपके पास 24 टोकन होगा तो आप लोग एक्सचेंज करके ये बैकपैक स्किन ले सकते हो, और अगर आपके पास 28 टोकन होती है तो आप लोग एक्सचेंज करके ये इमोट ले सकते हो। एंड इसके अलावा जो नीचे का रिवॉर्ड है, जैसे कि ये बंडल हो गया, ये फीमेल वाला बंडल हो गया, ये इमोट हो गया, ये इतना खास रिवॉर्ड नहीं है, बट ये रिवॉर्ड तो आपको लेना ही लेना है। सो ये लेने के लिए आपको टोकन कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो टोकन आप लोग किस तरीके से कलेक्ट कर पाओगे, यहाँ पे क्लेम टोकन का एक ऑप्शन दिया गया, जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, भुया पास का और स्पेशल मिशन का। अगर आप लोग भुया पास में क्या है कि अगर आप सीजन 1 का भुया पास परचेस किए होंगे तो आपको 2 टोकन मिल जाएगा, इसी तरीके से हर सीजन का अगर आप लोग परचेस किए होंगे तो हर सीजन का 2-2 टोकन आपको मिलने वाली है। मेरे को पता है कि आप लोग पहले से परचेस नहीं कर रहे हो, इसलिए यहां से आप लोग टोकन कलेक्ट नहीं कर पाओगे, बट जो लोग किए उसके लिए तो काफी अच्छी चीज है। बट यहाँ पे आप लोग देखो स्पेशल मिशन में क्या है कि अगर आपका लेवल 150 हो जाता है भुया पास में तो आपको यहां से 2 टोकन मिलेगा। एंड इसके अलावा नीचे के
साइड में सीजन 8 का 150 लेवल हो जाती है तो आपको यहाँ से भी दो टोकन मिलेगा। इसी तरीके से शायद हर मंथ यहाँ पे मिशन चेंज होता है और हर मंथ आपको यहाँ से टोकन मिलती है भुया पास वाली। उसके बाद आप लोगों को एक्सचेंज वाले स्टोर में आना पड़ता है, एक्सचेंज करके आप लोग ये रिवॉर्ड ले सकते हो। और ये इवेंट अपने सर्वर पे अभी फिलहाल के लिए नहीं आया है लेकिन बाहर के सर्वर पे आ चुका है, तो मेरे को लगा कि आपको ये वीडियो बताना बहुत ही जरूरी है। और ये इवेंट अभी अपने सर्वर पे नहीं आया, ये बाहर के सर्वर में स्टार्ट हुआ है, तो आपको इस इवेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, कभी भी अपने सर्वर पे आ सकता है। तो होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।